हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की सुबह शुरुआत हो रही है एक नए ब्लॉग के साथ में। तो मैं हूं आपका दोस्त संजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद संजय। दोस्तों, अभी जा रहा हूं ऑफिस। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है। और एक्चुअली मैं आज के इस व्लॉग में एक्चुअली में एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है मेरी रॉयल इनफील्ड मीटियोर में। तो चलिए पहले आपको वो प्रॉब्लम दिखाते हैं और फिर उसके लिए क्या सलूशन करेंगे ये बताते हैं आपको। चलिए चलते हैं पहले अपनी मीटियोर के पास। दोस्तों देखिए, ये आ गए हम अपनी रॉयल इनफील्ड मीटियोर के पास में और लगाते हैं पहले चाबी। देखो, चाबी लगाते ही पहले जो ये निडल है एकदम से ऊपर जाती थी, वो अभी एकदम से नहीं, थोड़ी देर बाद ऊपर जा रही है। सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अब हम स्टार्टर को पहले दबाते हैं, देखें क्या होता है। देखिए, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। लेकिन चलिए, रिस्पॉन्स आ जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। तो रिस्पॉन्स के लिए अब हम ये क्लच दबाएंगे और क्लच दबाने के बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत अजीब सी आवाज़ करने के बाद में बाइक स्टार्ट तो हो गई है। अब देखिए, निडल ऊपर नीचे हुई, लेकिन बैटरी की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है कॉन्टीन्यूस। क्लच दबाने के बाद स्टार्टिंग हो रही है, बैटरी लाइट लगातार जो है वो ब्लिंक कर रही है। इंजन लाइट भी देखिए बंद हो जानी चाहिए, वो भी बंद नहीं हुई है। चलिए थोड़ा थ्रॉटल देते हैं, थ्रॉटल देने के बाद भी ना बैटरी ब्लिंक करना बंद हुई है ना इंजन लाइट बंद हुई है। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो भाई चलते हैं यार, अभी ऑफिस और उसके बाद में फिर इसका निकालेंगे कोई सल्यूशन, या फिर जाना पड़ेगा हमें सर्विस सेंटर पे रॉयल इनफील्ड के। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भैया, रॉयल इनफील्ड से RSA वाले आए, रोड साइड असिस्टेंस, और गाड़ी जो है स्टार्ट तो कर दी है इन्होंने, मगर अभी जा रही है शोरूम पर। हम जाएंगे इस गाड़ी से जिसको लेके आए हैं, रुद्रपुर चल रहे हैं शोरूम पे, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी यहाँ से उठ के जा रही है। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर, यानी कि ब्रार मोटर्स रुद्रपुर। और ये है देखिए सर्विस सेंटर, और यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है, वो खड़ी है हमारी बाइक। और बाइक में प्रॉब्लम आ गई है, ये बाइक में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाइक का एक्चुअली में मीटर जो है उसका ग्लास में क्रैक हो गया था, जहाँ से चला गया था अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, और जिसकी वजह से वो वहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी जो है वो भी काफ़ी कंज्यूम कर रहा था, डिस्चार्ज हो रही थी, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे माल फंक्शन हो गए थे, मदरबोर्ड हो गया था खराब। तो अभी जो है वो इसका मीटर कंसोल जो है वो नया पड़ने वाला है, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये है। बैटरी भी जो है उसकी हालत पतली हो गई है, इस वजह से अब हम बैटरी भी नई डलवाने जा रहे हैं, वो भी लगभग 2000 के अप्रॉक्स आने वाली है। तो यानी कि लगभग 8,000 रुपये का खर्चा हो गया है। और उसके बाद देखते हैं कि हमारी मीटियोर कैसी करती है, अब सही हो जाती है कि नहीं। तो इंतज़ार करते हैं, बैठे हैं यहाँ पर सर्विस सेंटर में, और अभी बैटरी चेंज होने वाली है और मीटर नया बनने वाला है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, तो नाउ मिशन इज़ accomplished, और अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर, और हमारी रॉयल इनफील्ड मेटियोर जो है वो अब ठीक हो चुकी है, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन भाई पैसे बहुत खर्च हो गए, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं पहले कि क्या गड़बड़ी थी और उसमें क्या किया गया जिससे वो ठीक हुई, और उसके बाद आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो ये है दोस्तों अपनी रॉयल इनफील्ड मेटियोर, जो कि अब घर पहुंच गई है वापस, और पूरी तरीके से इसकी सर्विस हो गई है, और बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रही है। मीटर कंसोल सब सही हो गया है। तो एक्चुअली मैं इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि भाई इसका जो देखिए जो इसमें पड़ा है वो पड़ा है देखिए कि ये नया मीटर कंसोल, ये मीटर कंसोल जो है वो हो गया था गड़बड़। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि हुआ क्यों था। स्टार्ट करने के लिए देखिए, अब बिल्कुल सुई ऊपर उठ भी रही है, और उसके बाद में अभी गियर में है, फर्स्ट गियर में। तो पहले इसको न्यूट्रल करते हैं, अब हो गई न्यूट्रल, और चलिए स्टार्ट करते हैं।
जंगल कितने स्टार्ट हो गई है, और किलोमीटर देखिए आपको दिखा रहा होगा 16.9 किलोमीटर, और यहाँ पर भी रात के 2:40 दिखा रहा है। तो इसकी वजह एक्चुअली में क्या है? इसकी वजह दोस्तों एक्चुअली में ये है कि भाई ये मीटर कंसोल जो है वो पूरी तरीके से नया पड़ा है। पुराने वाले मीटर कंसोल में हुआ ये था कि जब हम इसको अपनी बाइक को कार्गो के थ्रू लाए थे नॉर्थ ईस्ट से वापस उत्तराखंड, तो कार्गो वालों ने एक्चुअली में इसको लोडिंग अनलोडिंग करने में इसका ग्लास जो है वो क्रैक हो गया था, और वहाँ से मॉइस्चर इसके अंदर घुस गया, और घुसने के बाद में उसने पूरे मीटर कंसोल से इसकी मदरबोर्ड वगैरह जो है उसको पूरा मॉइस्ट करके ख़राब कर दिया था, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत गड़बड़ हो गया था, जिस वजह से मदरबोर्ड ख़राब होने की वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, गियर्स सही नहीं बता रही थी। उसके अलावा फिर एंड में स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही हो गई थी, जैसा आपने शुरू में देखा कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम लोग समझ रहे पता नहीं क्या हो गया है, इसकी रिले ख़राब है कि फ्यूज़ उड़ गया है कि क्या है, लेकिन वो सब कुछ नहीं था एक्चुअली में, केवल इसकी वजह से भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई अपना ये मीटर कंसोल जो है हमेशा संभाल के रखो, और नया मीटर कंसोल पड़ने की वजह से क्या है कि अब ये जीरो से स्टार्ट हुआ तो 16.9 किलोमीटर्स दिखा रहा है, क्योंकि इतना चल के आई है सर्विस सेंटर से घर तक, और जो ये यहाँ पर ब्लैक नाइट दिखा रहा है रात के कितने बजे दिखा रहा है भाई, देखो ये दिखा रहा है रात के 2:50। तो एक्चुअली में ये ज़ीरो से शुरू हुआ और इसने जो अपना टाइम भी लिया है वो 2:50, रात 12 से स्टार्ट हुआ तो 2:50 लिया। इस वजह से भी जब हम इसको मोबाइल से अपने इसके ऐप से दोबारा से इसको सिंक करेंगे तो फिर से अपने आप ये गूगल से अपने आप टाइम अपडेट कर देगा। तो भाई इस बाइक में भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया, इस छोटी सी चीज़ जो कि हम मीटर कंसोल को समझते हैं बहुत छोटी सी चीज़, मगर भाई बड़ी कॉस्टली है, और इसमें एक्चुअली में हमारे पैसे खर्च हो गए। शोरूम वालों ने इस मीटर को चेंज करने और जो सर्विस थी उसके ही हमसे ले लिए हैं 6,488 रुपीज़, यानी कि लगभग 6,500 रुपये। और हाँ, इसकी बैटरी जो है वो भी दोस्तों हो गई थी डाउन, क्योंकि एक्चुअली में अंदर से मीटर शॉर्ट होने की वजह से बार बार उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस और ये सब चीज़ें हो रही थी। बैटरी थोड़ी पुरानी भी थी लेकिन उसके बावजूद भी ये डाउन हो करके और ख़राब हो गई थी, तो इसकी बैटरी जो है वो भी नई पड़ी है, और नई बैटरी पड़ने के बाद में 1800 रुपये की वो भी बैटरी भी पड़ गई, तो 6,500 अप्रोक्स वो और 1800 रुपये, यानी कि 8,300 रुपीज़ आज इस बाइक में खर्च हो गए हैं, लगभग 8,300 रुपये। तो काफ़ी लंबा फटका लग गया है, लेकिन चलो दिल में खुशी है कि अब हमारी बाइक जो है वो धोखा नहीं देगी, जहाँ भी जाओ मस्त साथ में चलेगी। तो भाई दिल के करीब है अपनी बाइक, तो इतने पैसे खर्च हो गए कोई बात नहीं। नाउ इट इज़ रेडी टू राइड अगेन, फिर से एक नई राइड के लिए तैयार हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे जल्दी ही फिर किसी बेहतरीन राइड के ऊपर। तो ये थी इसकी प्रॉब्लम, और मीटर किस तरीके से सिंक किया जाता है जो कि दोबारा से यहाँ पर राइड टाइम्स और सब कुछ आने लगे, अगर उसमें आपको वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ बताइएगा, उसके लिए वीडियो फिर शूट करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नई राइड के ऊपर, अपनी उत्तराखंड या फिर कहीं और की राइड। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल ट्रैवल विद संजय, देख लीजिए यहाँ से भी ट्रैवल विद संजय, तो स्टे ट्यून्ड ऑन ट्रैवल विद संजय। और हाँ, इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपनी आगे की यात्रा पे।